से ज्वेलरी गायब हो गया। मैं कुछ करता हूँ। वाई पियर वाई चिंगम इज हियर। अम्मा आपके कार में चोरी हो गई। चिंगम के चंगुल से बचना यह इम्पॉसिबल। बोले तो यह इम्पॉसिबल। पूरा पुरपुरी नगर चोरों के हाथ में चला गया है। चोरों को अब किसी का डर ही नहीं रह गया है। सर आपको चोरों के मन में डर पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यस, चोरों के मन में डर पैदा करने के लिए मेरे मन में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। क्रिमिनल्स के मन में ऐसा डर पैदा होगा कि वो चोरी करना भूल जाएंगे। बादशाह, आज से मैं इस गेटअप में बाहर निकलूंगा। चोरों के मन में ऐसा डर पैदा होगा कि वो लोग बादशाह के नाम से भी डरेंगे। हेरा फेरी, बाहर जाकर ये खबर फैला दो कि क्राइम का दुश्मन बादशाह आ गया है। किसी ने भी कोई भी क्राइम किया तो उसको सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। एकदम ताजा खबर मिली है कि बादशाह नाम का एक आदमी फुरफुरी नगर में आ गया है, जो हर क्रिमिनल को बिना टिकट ऊपर पहुंचा देता है। हाँ बॉस, आप बत के लेना। क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात सच है तो जब तक बादशाह फुरफुरी नगर से चला नहीं जाता, हम लोग अपना ठिकाना बदल लेते हैं। बच कर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे हमें पाओगे। अम्मा आई। मतलब क्राइम का दुश्मन, सच्चाई का दोस्त। नाम है बादशाह। अब तुम ऊपर वाले के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे क्राइम का घड़ा भर चुका है। नहीं नहीं, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। अपना पेट पालने के लिए बस छोटी मोटी चोरियां करता रहता हूँ। वाह सर, क्या दौड़ाया जॉन को। थैंक यू हीरा पेरी। बॉस बॉस, मैं तो चला। मुझे अभी ऊपर वाले के पास नहीं जाना है। आप निपटो। मैं भी चला। क्या बात है, तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हुए हो? क्राइम का दुश्मन, सच्चाई का दोस्त बादशाह। पूरपुरी नगर में क्राइम दिन पर दिन फैलता ही जा रहा है। चोरों को अंदर करने का मैंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। अब मैं खुद रात में चोर बनकर चोरों को पकड़ूंगा। वाह सर, आप तो टॉप हो, हिंदुस्तान की हो। यस सर, यू आर ग्रेट सर, बट बॉर्न लिटिल लेट सर। थैंक यू हीरा पेरी। इस मिशन में तुम दोनों भी मेरे साथ हर पल रहोगे। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना जरूरी है। फुरफुरी नगर में चोरियों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। चोर पुलिस के पहुंच से अब भी बाहर है। अब पतलू बेचारे चिंगम सर अकेले किस किस चोर को पकड़ेंगे। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू तुम्हें कुछ आइडिया निकालो। आइडिया? क्यों ना हम लोग भी रात को चोर के गेटअप में बाहर निकले। कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा और चोरों को देखते ही हम उन्हें दबोच लेंगे। पतलू क्या आइडिया सोचा है, चलो कुछ तैयारी कर लेते हैं। वो चोर तो भाग गया। भाग कर जाएगा कहाँ? वापस जरूर आएगा। चलो, ये क्या नौटंकी है? ये कौन नए लोग मेरे एरिया पर कब्जा करने चले आए? देखना पड़ेगा। पतलू, इतनी मेहनत की, मैं बस उस चोर को पकड़ने ही वाला था कि पता नहीं चोर कहाँ छुप गया। तो ये दोनों चोर मोटू पतलू है, चोर बनकर चोर को पकड़ना चाहते थे। लेकिन वो टूटा फूटा चोर कौन था? उन दोनों चोर ने मुझे बहुत मारा।
सर ये आपका चोर बन के चोर को पकड़ने का आइडिया तो बहुत भारी पड़ रहा है। दोनों हेरा फेरी, मैं हार नहीं मानूंगा। अब की बार फुल तैयारी से जाऊंगा और उसे कुंभ कराटे करके हरा दूंगा। अच्छा तो ये मोटू पतलू और चिंगम सर है, पर लगता है तीनों ने अपनी अलग अलग खिचड़ी पकाई है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में मंकी रोटी ले गया। ये पढ़ा तुमने? कितने पते की बात लिखी है यहाँ कि अगर पावर नैप ले लिया जाए तो उससे काम करने की एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ मोटू, अपने बिजी शेड्यूल में किसी को भी अगर 10-20 मिनट का पावर नैप मिल जाए तो वो फ्रेश हो जाता है और बाकी काम फुर्ती और चुस्ती के साथ कर सकता है। लेकिन अब मैगजीन रखो और भूल गए कि हमें चिंगम सर के पास कमलपुर डायमंड एग्जीबिशन के सिक्योरिटी के लिए जाना है। अरे नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ। चलो पहले समोसे खाते हैं, फिर वहीं से निकल जाएंगे। चलो पप्पू, समोसे खा लेते हैं क्योंकि रात भर कमलपुर में सिक्योरिटी जो करनी है। पेट भरने के बाद थोड़ा सा पावर नैप हो जाए तो बाद में फ्रेश फील करूंगा। अरे ये मोटू कहाँ गायब हो गया? समोसे तो खूब चटकारे लेकर खा रहा था और पैसे देने का टाइम आया तो गायब। मोटू, अरे मोटू कहाँ गए? चाय वाले, मैं मोटू को देख कर आता हूँ। अरे मुझे उल्लू समझा है क्या? बोनी का टाइम है, पैसे दिए बिना तुम नहीं जा सकते। अरे मोटू नहीं है तो क्या हुआ, तुम पैसे दे दो। अरे चाय वाले भैया मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मोटू मिलेगा तभी तुम्हारे पैसे मिलेंगे, पहले मोटू को ढूंढने तो दो। रुको रुको, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मोटू उठो, उठो मोटू, ये चाय वाला मुझे तेल में फ्राई करने पर तुला है और तुम हो क्या आराम से सो रहे हो। अरे क्या हुआ पतलू, इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हो? मैं तो पावर नैप ले रहा था, अब देखो मैं कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ। अरे तुम्हारी पावर नैप के चक्कर में मैं फ्राई हो जाता तो? चाय वाले को पैसे दो, जल्दी दो। जाओ मोटू जाओ, अब तुम्हारे पावर नैप में तुमको ही कर दूंगा ट्रैप। पतलू, मेरा तो छोटा सा पावर नैप हो गया है, अब तुम भी थोड़ी देर पावर नैप ले लो तो सिक्योरिटी के टाइम पे बिल्कुल फ्रेश एंड फिट फील करोगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है मोटू, मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ, लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना। तुम पहले ही दो चॉकलेट खा चुके हो, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे अब भी चॉकलेट चाहिए। अच्छा अच्छा बाबा उठ जाओ, देती हूँ चॉकलेट, पर ये लास्ट चॉकलेट है। चाय वाले भैया देखा उस बच्चे को, ये तो बढ़िया है, जिद करो और कुछ भी मनवा लो। अरे जिद पूरी करवाने के लिए हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। तुम्हारे अंदर क्या वो हिम्मत वो गट्स है? क्या मतलब? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है? अरे मेरे अंदर हिम्मत और गट्स कूट कूट के भरा हुआ है। तुम बोलो किससे और क्या मनवाना है। चलो तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा हो जाए। तुम पतलू को बोलो कि मकड़ी की तरह फुरफुरी नगर के टावर के दीवार पर सर सर चढ़ कर दिखाए, देखते हैं कि वो तुम्हारी जिद पूरी करता है कि नहीं। जॉन तो हो गया चैलेंज, मैं पतलू से अपनी जिद पूरी करवा के ही रहूंगा। मोटू जरा सीढ़ी पकड़ना, मुझे नीचे उतरना है। अरे
अरे मोटू ये क्या किया, सीढ़ी क्यों हटा दी? अरे पतलू सीढ़ी से तो तुम हमेशा ही चढ़ते उतरते हो, लेकिन आज तुम मकड़ी की तरह फुरफुरी नगर की टावर के दीवार पे चल के दिखाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अरे मैं इंसान हूँ मकड़ी नहीं, जो दीवार से चिपक जाऊँ। जल्दी सीढ़ी लगाओ, मैं गिर रहा हूँ। मुझे मकड़ी की तरह फुरफुरी नगर टावर की दीवार पे चल के दिखाओ, अब भी दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। अच्छा बाबा अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। मकड़ी की तरह चलो, मकड़ी की तरह। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अच्छा रोना बंद करो, चलता हूँ, चलता हूँ। डॉक्टर झटका। अगर पतलू फुरफुरी नगर टावर पर चढ़ने के लिए वापस आता है तो उसकी सेफ्टी के लिए उसके कमर में ये रस्सी बांध देना, ओके? लेकिन शायद वो नहीं आएगा। ठंड रखो यार मेरे पाए, मेरे यार कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा गैजेट दूंगा कि तुम स्पाइडर की तरह दीवार पे चल सकोगे यार। डॉक्टर झटका थैंक यू। मोटू अभी भी मान जाओ, फालतू की जिद मत करो। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।